चलिए भाई लोग शुरू किया जाए। सो दिस गोज योर न्यू चैप्टर। चैप्टर का नाम कुछ है इस प्रकार, डेट फंडिंग इंडियन नॉन फंड बेस्ड है। ठीक है, तो मतलब एक चीज जाने, इस चैप्टर के अंदर अपन कोई फॉरेन इंस्ट्रूमेंट के बारे में नहीं पढ़ रहे, इट्स अबाउट इंडियन डेट्स। इंडियन डेट्स के अंदर देखिए अपन लोग डेट फंडिंग, पहले अपन थोड़ा सा इस कहानी को समझेगा। शिखा कभी कभी जितना थोड़ा सा दिमाग है वो यूज भी करिएगा। डेट फंडिंग, अच्छा आप लोग बात कर रहे थे डेट फंडिंग के। फर्स्टली हम सबने इतने दिन से वर्ड पढ़ रहे हैं फंडिंग। फंडिंग मींस आप लोग जब कभी भी पैसा रेस करने की कोशिश करते हैं, फंडिंग मींस बाय विच मनी और कैपिटल इज इंजेक्टेड इनटू द बिजनेस एंड the tools and the tools by which funding can be made and the tools by which funding can be done are equity, debt। मैंने आपके साथ equity already discuss कर लिया है, आज अपन लोग discuss करने चल रहे हैं about debt। अच्छा इस बार आप लोग इस तरीके की फंडिंग पढ़ रहे हैं जहां से अपन पैसा लेके आएंगे हमारे बिजनेस के अंदर इन द फॉर्म ऑफ डेट। अच्छा इन द फॉर्म ऑफ डेट की बात करें मतलब डिबेंचर्स इज अ डेट, यस। अच्छा बैंक से लोन इज अ डेट। तो डेट का मतलब क्या होता है जब आप बात करते हैं, डिबेंचर्स लोन्स ये सब चीजें क्या है, ये सब आपके डेट्स हैं। पर अब अगर आपने चैप्टर का पूरा नाम पढ़ोगे तो ये कह रहा है इट्स डेट फंडिंग बट विच इज नॉन फंड बेस्ड। मतलब भैया को पैसे भी चाहिए पर भैया पैसे लेंगे भी नहीं, ऐसा कैसे चलेगा। अब देखिए नॉन फंड में क्या होता है। अब ये क्या कह रहा है कि भाई मेरे को तेरे से फंड चाहिए नहीं। अब इस चैप्टर के अंदर आप पढ़ने वाले हो कब एक एंटरप्राइज फंड ना ले और फिर भी फंड्स का काम हो जाएगा। फॉर एन एग्जाम्पल मैं आया आपके पास, मैंने कहा मान लीजिए आप सेलर हैं, मैंने कहा मुझे गुड्स दे दीजिए, पैसे भी नहीं है बाद में दूंगा। इसने कहा तो सामान भी बाद में लेना। मैं कहा वेट, आई हैव अ बैंक गारंटी विथ मी। बैंक गारंटी का मतलब क्या हुआ, बैंक ने मुझे एक लेटर ऑफ क्रेडिट दिया है इनको देने के लिए, ये बताते हुए कि मेरी क्षमता है कि मैं इनको रीपे कर दूंगा और अगर कल मैंने इनको रीपे नहीं किया तो बैंक इनको मेरी तरफ से रीपेमेंट करेगा। माय क्वेश्चन, अभी बैंक ने कुछ दिया नहीं दिया, बट क्या अभी फिर भी मैं बैंक के सामने डेट के लिए खड़ा हूं। अगर इन द इवेंट मैंने पैसा नहीं दिया तो मुझे बैंक को पैसा रीपे करना पड़ेगा। आई हैव रेज्ड डेट फंडिंग और अभी मैंने कोई फंड भी इन्वॉल्व नहीं किया, मैं सिर्फ और सिर्फ बैंक से क्या लेके आया था, गारंटी लेके आया था। सो अब इस चैप्टर के अंदर अपन लोग पढ़ने वाले हैं अबाउट कौन से तरीके एग्जिस्ट करते हैं जहां से हम लोग डेट फंडिंग भी करें और वो भी कौन से तरीके की, नॉन फंड बेस्ड तरीके की। श्योर इनफ, सिंपल है, ठीक है। तो नॉन फंड तरीके में अगर आप आएंगे तो आता है लेटर ऑफ क्रेडिट, स्टैंड बाय लेटर ऑफ क्रेडिट और एक आएगा बैंक गारंटी। ये तीन चीजें अपने को इस चैप्टर के अंदर डील करनी है। 100% इस चैप्टर में से क्वेश्चन आएगा ही आएगा और सिर्फ दो ही पॉसिबल क्वेश्चंस बनते हैं। मैं आपको अभी मार्क करवा दूंगा व्हाइल वी रीडिंग। इस चैप्टर में से दो पॉसिबल क्वेश्चंस बनते हैं और जेन्युइनली बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं टू बी आस्क्ड। सबसे पहला, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ लेटर ऑफ क्रेडिट एंड बैंक गारंटी। डिस्टिंक्शन के लिए सबसे बेहतरीन क्वेश्चन है क्योंकि बहुत मुश्किल पॉइंट ऑफ डिस्टिंक्शन बनता है। ये मैंने आपके चैप्टर का लास्ट टॉपिक डाला हुआ है, वेरी इंपॉर्टेंट और इसे प्रॉपरली सिस्टमाइज वे में बनाया गया है। इसके बाद आपसे एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है इसके अंदर अबाउट व्हाट डू यू मीन बाय लेटर ऑफ क्रेडिट एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट्स। ये दो क्वेश्चन इसमें सबसे ज्यादा अच्छी तरह से आने की पॉसिबिलिटी है। मोस्टली उसमें से एक क्वेश्चन हम आज कवर करेंगे एंड आई थिंक दिस शुड टेक वन मोर लेक्चर टू फिनिश। कल हम लोग इसका दूसरा क्वेश्चन भी कवर कर लेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग कैन वी स्टार्ट, धन्यवाद। इन अ बिजनेस फंड्स आर रिक्वायर्ड फॉर वेरियस रीजंस। ट्रेडिशनल एरियाज फॉर नीड मे बी फॉर अक्वायरिंग कैपिटल एसेट्स लाइक फिक्स एसेट्स लाइक न्यू मशीनरी और द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ न्यू बिल्डिंग। सो हमने कह दिया भाई फॉर अ बिजनेस वी नीड कैपिटल फॉर मल्टीपल रीजंस। दिस कैपिटल नीड कैन बी, अच्छा कैपिटल कितने तरीके की होती है, क्या बात है, कैमरे में इज्जत रखिए तुम लोगों की,
क्या बात है बच्चों, वेरी गुड. फिक्स्ड और वर्किंग कैपिटल. अच्छा, आप फिक्स कैपिटल की बात करते हो तो जाहिर सी बात है आप ये कैपिटल इसलिए रेज करते हैं क्योंकि इस बार आप लोग कोई फिक्स एसेट्स परचेज करना चाहते हैं, लाइक अ मशीनरी और लाइक अ बिल्डिंग और अ प्लांट. ठीक है, आप लोग इस बार कोई मशीनरी या फिर बिल्डिंग के अंदर डील करना चाह रहे हैं. और जब आप बात करते हैं वर्किंग कैपिटल की तो जाहिर सी बात है ये आपके डे टू डे वर्किंग के लिए यूज हो सकती है, आपके लिए आपके बिजनेस को अगर किसी पैसे की जरूरत है डे टू डे एक्सपेंसेस में या फिर कोई मशीनरी ना खरीदने के लिए पर बिजनेस के सर्वाइवल के लिए, तो ऐसी कैपिटल को आप क्या बुलाते हैं? वर्किंग कैपिटल. तो इसने बोला कि यार कैपिटल की जरूरत तो बिजनेस को कभी पड़ सकती है, कभी जरूरत पड़ सकती है फिक्स एसेट्स खरीदने के लिए जैसे कि मशीनरी, कंस्ट्रक्शन ऑफ अ बिल्डिंग, फॉर डेवलपमेंट ऑफ अ न्यू प्रोडक्ट और टू एंटर इनटू अ न्यू मार्केट, कैपिटल मे बी रिक्वायर्ड. नॉर्मली स्मॉल रिक्वायरमेंट्स ऑफ फंड कैन बी अरेंज्ड इन हाउस. अगर कुछ ही पैसों की जरूरत है तो अपन इन द हाउस ही अरेंज कर लेते हैं, बट इन केस ऑफ एक्विजिशन ऑफ मशीनरी मे कम फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्सेज. देर आर नंबर ऑफ सोर्सेज ऑफ फंड फॉर रेजिंग फंड्स. The cost of the fund may vary from organization to organization and also according to the purpose. अच्छा देखिए, आप लोग को ना जब कभी भी आप फंडिंग करने जाते हैं सबसे पहला क्वेश्चन होता है जब आप फंडिंग कर रहे हैं, दैट इज योर कॉस्ट ऑफ फंडिंग. आप अगर सोचो कॉस्ट ऑफ फंडिंग का मतलब क्या होता है, अगर आप लोग इक्विटी रेज करते हो, अगर आप डेट कैपिटल रेज करते हो या फिर आप प्रेफरेंस कैपिटल रेज करते हो, कुछ भी, आप लोगों को निकालनी पड़ेगी इसकी कॉस्ट ऑफ फंडिंग. कॉस्ट ऑफ फंडिंग के साथ आप देखते हैं आपका पर्पस. क्यों? क्योंकि अगर आपका पर्पस था एक्सपांशन करना, नए मार्केट में एंटर करना, शायद इस टाइम पे इक्विटी फंडिंग एक बहुत अच्छा आइडिया रहेगा. क्यों? क्योंकि पीपल विल बी इंटरेस्टेड इन द पर्पस एंड दे विल बी रेडी टू इन्वेस्ट इन योर इक्विटी. However, अगर इस बार आप लोगों को कोई वर्किंग कैपिटल नीड्स है या फिर अगर आपके सर्वाइवल की बात है, लोग आपकी इक्विटी में इन्वेस्ट नहीं करने वाले, दे विल एंटर इनटू योर डेट. तो आप लोगों ने पहले कॉस्ट कैलकुलेट करना है, पर्पस निकालना है और फिर देखना है कि कौन सा मेथड ऑफ फंडिंग आपके लिए बेटर रहेगा जब आप मार्केट से पैसे रेज करने जा रहे हो. सो इस चैप्टर में इसने क्या बोला, सबसे पहले द कॉस्ट ऑफ फंड में वेरी फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन. अच्छा, आज अगर मेरे सामने दो कंपनीज आ जाए, आई टेल यू वेरी सिंपली, अगर आज सामने मेरे सामने दो कंपनीज आ जाए, जो एक मुझे बोलती है मैं आपको रिटर्न्स दूंगी 17-20% के आसपास, और दूसरी ऑर्गेनाइजेशन हो रिलायंस जो मुझे शायद कोई रिटर्न्स गारंटी नहीं कर रही, तब भी मैं रिलायंस में ज्यादा इन्वेस्ट करने का पर्पस रखूंगा. क्यों? बिकॉज दैट ऑर्गेनाइजेशन हैज अर्नड दैट थिंग, आप उस पर रिलाय कर सकते हो, जबकि दूसरी ऑर्गेनाइजेशन आपको ज्यादा रिटर्न दे रही है बट क्योंकि उसका कोई नाम नहीं है आप लेफ्ट में इन्वेस्ट करना पसंद नहीं कर रहे. सो इसने क्या बोला, आपकी कॉस्ट ऑफ फंडिंग कभी कभार बहुत बड़ा क्वेश्चन बन जाती है और ये ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड करती है. अगर आप बहुत ही रिनोन्ड, बहुत ही ज्यादा नोन एंटरप्राइज है, आपकी कॉस्ट ऑफ फंडिंग बहुत कम होगी. लाइक जस्ट डायल कमिंग अप विद आईपीओ, जस्ट डायल को मार्केटिंग करने की जरूरत ही नहीं है अपने आईपीओ के. दैट्स द सर्च इंजन जो अपन लोग दिन में एक ना एक बार यूज कर ही लेते हैं और हर कोई यूज करता है, नो क्वेश्चंस टू बी आस्क्ड. कॉस्ट ऑफ मार्केटिंग कम है तो कॉस्ट ऑफ फंडिंग भी कम आने वाली है. जस्ट डायल को आप लोगों को कोई स्पेसिफिक रिटर्न्स प्रॉमिस करने की जरूरत है? नो रिप्लाई. अब ये सब क्या हो रहा है, आपकी कॉस्ट ऑफ फंडिंग डिसाइड कर रही है. सो कॉस्ट ऑफ फंडिंग डिपेंड्स ऑन ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन. आपको देखना है कि आपके लिए कौन से इंस्ट्रूमेंट में सबसे बेस्ट कॉस्ट ऑफ फंडिंग आ रही है. फ्रॉम वन ऑर्गेनाइजेशन टू अनदर द नीड फॉर फाइनेंस मे बी फॉर लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म और शॉर्ट टर्म. फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट विद रिगार्ड टू फिक्स्ड एंड वर्किंग कैपिटल वेरी फ्रॉम वन ऑर्गेनाइजेशन टू अदर. टू मीट आउट दीज रिक्वायरमेंट्स फंड्स नीड टू बी रेज्ड फ्रॉम वेरियस सोर्सेज. सम सोर्सेज इशू शेयर्स, सम इशू डिबेंचर्स provided the money for a longer period. जिसमें हमें longer period के लिए चाहिए तो हम equity debts में debentures की तरफ जाते हैं. अब ये था आपकी funding का introduction कि भाई किस तरीके से funding की जा सकती है. हम इस chapter में कौन सी funding के लिए बात कर रहे हैं? Funding जो firstly जिसका nature क्या है, debt में है, and second it is non-fund based. तो आ जाते हैं. अब देखिए आपके सामने मैंने क्रेडिट फैसिलिटी रखी है जो बैंक प्रोवाइड करती है, जिसके अंदर फंड बेस्ड फैसिलिटीज भी है, नॉन फंड बेस्ड फैसिलिटीज भी है. फंड बेस्ड के अंदर नहीं जाना, फंड बेस्ड डेट आने वाला है अभी वापस से, अपना एक और चैप्टर है जिसमें डेट सिर्फ फंड बेस्ड चलने वाले हैं अपन. तो कौन से कौन से? कैश क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट,
टर्म लोन्स मतलब नॉर्मल लोन्स, बिल फाइनेंस, हायर परचेस, ये है जहां पे आपको पैसा मिलता है कुछ चीज खरीदने के लिए। नीचे जो अपने को इस चैप्टर में पढ़ना है, दैट इज द नॉन फंड बेस्ड फैसिलिटीज, में तीन चीजें आती है। सबसे पहला लेटर ऑफ क्रेडिट, बैंक गारंटी, एंड दूसरा स्टैंड बाय लेटर। अच्छा एक बात सुनना, लेटर ऑफ क्रेडिट और स्टैंड बाय लेटर सगी बहने हैं, नहीं सच्ची में है, जब आप इन दोनों की बात करो ये सगी बहने। हमने क्या बोला कि इसमें इसमें फर्क बताओ, हमने कहा कुछ भी नहीं है, फर्क सिर्फ इतना है जिन कंट्रीज में लेटर ऑफ क्रेडिट परमिसेबल नहीं है वहां पे ऑल्टरनेट रूट से गारंटी दी जाती है जिसको बोला जाता है स्टैंड बाय लेटर, और कोई फर्क नहीं है। तो ये बहने इनको एंड में भी अपन एक ही चीज के अंदर कंस्ट्रूट करेंगे। तो आप कभी भी अगर आपसे स्टैंड बाय लेटर के लिए कुछ पूछा जाए, बेझिझक लेटर ऑफ क्रेडिट पूरा लिखिए और एंड में लिख दीजिए, या फिर फ्रंट में अपन स्टार्ट करते वक्त लिख देंगे। द ओनली डिफरेंस बिटवीन द लेटर ऑफ क्रेडिट एंड स्टैंड बाय लेटर इज दैट इन कंट्रीज वेयर LOC इज नॉट परमिसेबल और इज नॉट सॉरी इट इज नॉट परमिसेबल, स्टैंड बाय लेटर्स आर इशूड बाय द बैंक। स्टार्ट करूं चैप्टर, ठीक है। सबसे पहला अब आते हैं अपन लेटर ऑफ क्रेडिट जो हमने सबसे पहले लिखा था। डोंट रीड इट, लेट्स मेक इट अ डिस्कशन ओवर इट कि लेटर ऑफ क्रेडिट किस तरीके से काम करता होगा। लेटर ऑफ क्रेडिट, क्रेडिट का मतलब क्या कि यहां पे पैसा पड़ा है, अगर आपके अकाउंट में पैसा जाता है तो क्या आता है, योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड। सो क्रेडिट को यहां पे डिफाइन करते हैं कि भाई कोई बोल रहा है कि यहां पे पैसा पड़ा हुआ है, दिस इज क्रेडिट। अब लेटर ऑफ क्रेडिट का मतलब क्या होगा, जब कभी भी एनी पर्सन वॉन्ट्स टू परचेज एनीथिंग, ठीक है, एक काम करते हैं, इस एनी पर्सन को एक बार इंपोर्टर बोल दूं, परचेस कर रहा है भारत के अंदर कोई चीज ला रहा है, इंपोर्टर है, वॉन्ट्स टू इंपोर्ट समथिंग, बाहर से कोई सेलर है, इस सेलर को और क्या बोल सकते हैं, एक्सपोर्टर बोल देते हैं। जब कभी भी एक पर्सन बाहर से कोई सामान इंपोर्ट करना चाह रहा है हमारे देश में, पर इसके पास सेलर को देने के लिए फंड्स अवेलेबल नहीं है, और हमने उस सेलर को बोला कि भाई हमें फंड्स आपको बाद में दे देंगे, और सेलर ने बोला कि इन योर कंट्री आई डोंट नो कि आपके एंटरप्राइज का वैल्यू क्या है, आई डोंट नो कि आप कैसे काम करते हो, आपके पास कितना पैसा है, और क्या आप आगे रीपे कर पाओगे या नहीं। ऐसे केस के अंदर दिस पर्सन गोज टू एन इंडियन बैंक, अपन इंडिया के अंदर राइट, हम बैंक के पास जाते हैं और बैंक को बोलते हैं कि हमको क्या बना के दो, एक लेटर ऑफ क्रेडिट बना के दो। अच्छा अब लेटर ऑफ क्रेडिट में सर हम लोग पैसे पहले ही दे देते हैं, बैंक हमारे पे विश्वास करता है, ये सारे क्वेश्चंस का आंसर बाद में करूंगा, अभी जस्ट इसका नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट, जहां पे अपन बात करेंगे कहीं कहीं पे आप पहले ही बैंक को पैसा एडवांस कर देते हो, कुछ थोड़ा सा पेमेंट दे देते हो, कहीं पे आप सिक्योरिटी दे के रख देते हो बैंक को, मल्टीपल तरीके हो सकते हैं। अभी के लिए मान लीजिए कि आपने बैंक को विश्वास दिला दिया है कि आपकी क्रेडिट वर्दीनेस है, तो बैंक आपको क्या बना के देगी, एक लेटर ऑफ क्रेडिट बना के देगी। ये लेटर ऑफ क्रेडिट अपन बाहर लेके जाते हैं और किसको देते हैं, सेलर को देते हैं, और सेलर इस लेटर ऑफ क्रेडिट को देखकर आपको सारा का सारा सामान दे देता है। यहां तक एकदम ठीक है। इन द इवेंट कल अगर हम लोग जब फंड्स का रीपेमेंट करने निकलते हैं, मतलब यहां से जब हम रीपेमेंट कर रहे थे इसमें फेल कर गए, इन द इवेंट्स हम फंड्स के रीपेमेंट में फेल कर गए, तो बैंक क्या कहता है कि भाई तूने हमारे यहां पे कभी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का नाम सुना है, जैसे हम तुम्हें एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट देते हैं तुम टाइम पे उसको हमारे सामने प्रेजेंट करते हो, उसी तरीके से अगर ये तुमको टाइम पे पैसा ना दे तो तुम क्या करना, ये जो लेटर ऑफ क्रेडिट है ये किसके पास लेके आ जाना, बैंक के पास लेके आ जाना, और बैंक आपको एनफोर्स करके सारा पेमेंट कर देगी।
बैंक आपको सारा एनफोर्स करके पेमेंट कर देगी। यहाँ तक एकदम सही, कोई डाउट नहीं। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि लेटर ऑफ क्रेडिट के थ्रू आप लोग और कुछ नहीं करते, आप लोग अपनी परफॉर्मेंस अश्योर करते हैं, आप अपनी परफॉर्मेंस अश्योर कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं। डन है, सिंपल भी है। एनी बैंक विच इज गिविंग अ लेटर ऑफ क्रेडिट विल बी हैविंग अ कॉरस्पॉन्डिंग बैंक इन द प्लेस वेयर द सेलर इज, सो कॉरस्पॉन्डिंग बैंक इज ऑलवेज देयर। हम यहां से कन्फर्मिटी भेजते हैं, बात समझना, हम यहां से कन्फर्मिटी भेजते हैं, ये सेलर क्या करता है वहां के एडवाइजिंग बैंक के पास जाता है और वो एडवाइजिंग बैंक इनको एडवाइज करता है कि यस ये बैंक है, यहां पे ये बंदा है और अगर ये गारंटी दे रहा है तो आप ले सकते हो। अगेन इन द इवेंट ऑफ डिसऑनर एडवाइजिंग बैंक की कोई जिम्मेदारी नहीं है, इसीलिए उसको लेटर ऑफ क्रेडिट के अंदर एडवाइजिंग बैंक बुलाया जाता है कि इनका काम है आपको लेटर ऑफ क्रेडिट के थ्रू एडवाइज करना। अगेन लाइबिलिटी सिर्फ और सिर्फ किसकी होने वाली है, द बैंक विच वॉज इशूइंग द LOC, और किसी की लाइबिलिटी नहीं होती है। नहीं नहीं नहीं, अच्छा आपका क्वेश्चन ये था, आपका कहना है कि प्रेजेंटमेंट कहाँ पे होगा। अच्छा एक सेकंड, ये प्रेजेंटमेंट वाला टॉपिक पीछे है, बस 5 मिनट बताता हूँ, अभी बता रहा हूँ। इनका कहना है प्रेजेंटमेंट के लिए सेलर को इंडिया आना पड़ेगा कि बाहर, बाहर वहीं पे करना है, उधर ही आपको पैसे अपना लेटर ऑफ क्रेडिट दिखाना पड़ेगा, वहाँ की बैंक इंडियन बैंक से कोऑर्डिनेट करती है, पर वहाँ की बैंक को क्या बोलते हैं, वो कैसे कोऑर्डिनेट करती है, वो चैप्टर का पार्ट है, तो वी शैल कम बैक ओवर दैट। यहाँ तक बोलो कोई दिक्कत नहीं, रीड कर लेते हैं। अ लेटर ऑफ क्रेडिट इज अ डॉक्यूमेंट फ्रॉम अ बैंक दैट गारंटीज पेमेंट। बैंक ने एक डॉक्यूमेंट दिया है जो गारंटी कर रहा है पेमेंट, किसको गारंटी कर रहे हैं, बाहर एक्सपोर्टर को, एक्सपोर्टर यानी कि सेलर आपका। चलते हैं आगे। अ लेटर ऑफ क्रेडिट इज इशूड बाय अ बैंक एट द रिक्वेस्ट ऑफ इट्स कस्टमर। ये जो एनी पर्सन, ये कस्टमर है, मतलब ये इंडियन बैंक का कस्टमर ही होगा ना, जिसको हमने ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है, इंपोर्टर, इन फेवर ऑफ द बेनिफिशियरी। बेनिफिशियरी मतलब कौन, द सेलर दैट इज द एक्सपोर्टर। इट इज एन अंडरटेकिंग, अ कमिटमेंट बाय द बैंक। द बैंक सेज दैट आई एम कमिटिंग एडवाइजिंग और इन्फॉर्मिंग द बेनिफिशियरी दैट द डॉक्यूमेंट्स अंडर अ लेटर ऑफ क्रेडिट वुड बी ऑनर्ड इफ। बेनिफिशियरी कौन है यहां पे, बेनिफिशियरी मतलब जिसका अल्टीमेट बेनिफिट है सेलर। If the beneficiary, that is the exporter, submits all the required document as per the terms and condition of the letter of credit, हम आपको honor करके देंगे in the event of any kind of dishonor। यहाँ तक ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, चलते हैं। यार ये तो सच में बहुत खतरनाक पेपर है। Coming down to types of letter of credit। अब आते हैं कि कितने तरीके के letter of credit exist करते हैं। This becomes again a very important topic। ठीक है, इसके अंदर है ना, व्हाट डू वी वांट इज कि हम लोग पहले फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ तक के सारे लेटर ऑफ क्रेडिट अभी पढ़ेंगे। ये वाले 4 मैं आपको चैप्टर, जो रिमेनिंग 3 बचे ना बैक टू बैक के बाद, 3, ये 3 अपन चैप्टर के एंड में पढ़ेंगे। बताता हूँ क्यों, पहले 5 टाइप्स अभी पढ़ेंगे, 3 बाद में। आते हैं टाइप्स के अंदर, टाइप्स ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट। हाँ जी, अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ लेटर क्रेडिट की। LOC जो बैंक इशू करता है उसमें अलग अलग टाइप्स है, जिसके अंदर सबसे पहला क्या है, साइट क्रेडिट। एक सेकंड, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पेबल एट साइट, सुना था सर? सुना था, याद नहीं, बोल दो। व्हाट आर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पेबल एट साइट? सालो ऐसे मत बोलो, ये तो फाउंडेशन में था, NI एक्ट, एग्जीक्यूटिव में भी था, ECL। तुमको NI नहीं था ECL में? फाउंडेशन में तुमको NI नहीं था, ओल्ड सिलेबस में। एग्जीक्यूटिव में NI नहीं था तुमको, अभी तो है NI एक्ट, न्यू वाले में है, आप किस में नहीं था, माइट बी, हो सकता है। हाँ बताओ ना, फिर भी फाउंडेशन में था ना, बेशर्मो, कंपटीशन क्या कर रहे हो। व्हाट इज पेबल एट साइट, मेरे को समझ में आता, कभी कभी कहाँ से शुरू करूँ। बस इसी को होल्ड करना,
When it is presented, we shall pay it. This is called payable at site. The payment is done when the bill is presented. If not presented, we are not liable to pay even if the date of payment has come. मैं आपको payment दूंगा. आज वो तारीख भी आ चुकी है, पर अगर आप वो बिल मेरे सामने प्रेजेंट नहीं कर रहे हो, आई एम नॉट लाइबल टू पे. बिल आपको प्रेजेंट करना पड़ेगा. पहला है साइट क्रेडिट. आप सोचो साइट क्रेडिट का मतलब क्या होगा. बाहर वाली एंटिटी जब ये लेटर ऑफ क्रेडिट मुझे प्रेजेंट करेगी एट साइट, मैं उसी टाइम इसको क्या कर दूंगा, ऑनर कर दूंगा. सो अंडर दिस लेटर ऑफ क्रेडिट डॉक्यूमेंट्स आर पेबल एट साइट दैट इज अपॉन प्रेजेंटमेंट. तो सबसे पहला साइट क्रेडिट. Payment is done when it is presented by the beneficiary. Done. Next step, acceptance credit. अच्छा acceptance credit को आप time credit भी बुलाते हो. रहन देते हैं, इसमें आता है direct. मैं सोच रहा था आपको NI की याद दिलाऊंगा, पर मुझे याद दिला दिया आपने. Let's come back to time credit. अच्छा time credit की बात कर रहे थे. अच्छा time credit में अच्छा एक चीज हमेशा याद रखना, presentment is the most essential feature of NI Act. जब तक आप present नहीं करेंगे तब तक हम किसी चीज को payable नहीं बनाते, चाहे कुछ भी हो. तो इसने बोला even in time credit what is important, प्रेजेंटमेंट इज इंपॉर्टेंट. आपको प्रेजेंट तो करना ही है, मतलब ऊपर वाला केस तो है, पर जब कभी भी टाइम क्रेडिट होता है तो हम कहते हैं आप प्रेजेंट तो कर दो, पर हम आपको टाइम बताते हैं कि आफ्टर प्रेजेंटमेंट एक महीने के अंदर पेमेंट करेंगे, आफ्टर प्रेजेंटमेंट आफ्टर वन मंथ पेमेंट करेंगे, आफ्टर प्रेजेंटमेंट विद इन 30 डेज पेमेंट करेंगे. ये आपको पहले से ही इशू करते वक्त बताया जाता है. फ्रॉम द डेट ऑफ प्रेजेंटमेंट ऑफ द बिल शुड बी ऑनर्ड विद इन 30 डेज. इसका मतलब क्या हुआ, आपने आज बिल प्रेजेंट कर दिया पर मैं उसी टाइम पेमेंट नहीं करूंगा, मेरे पास कितने दिन का टाइम होगा, 30 डेज का टाइम होगा. या फिर ऐसा बोला जा सकता है आफ्टर प्रेजेंटमेंट 30 डेज आफ्टर द प्रेजेंटमेंट हम पेमेंट करेंगे. इसका मतलब क्या होगा, पहला एक महीना पेमेंट नहीं करूंगा, उसके बाद आपका पेमेंट करूंगा. श्योर इनफ, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं. द बिल ऑफ एक्सचेंज विच आर ड्रॉन पेबल आफ्टर अ पीरियड आर कॉल्ड यूसेंस बिल्स. अच्छा इसी को यूसेंस बिल भी कहते हैं. यूसेंस बिल मतलब टाइम क्रेडिट. इसी को यूसेंस बिल्स भी कहते हैं. अंडर एक्सेप्टेंस क्रेडिट यूसेंस बिल्स आर एक्सेप्टेड अ पीरियड प्रेजेंटमेंट एंड इवेंचुअली ऑनर्ड ऑन ड्यू डेट्स. आपने तो हमें दे दिया, प्रेजेंटमेंट आ गया, पर हम आपका पेमेंट कब करेंगे, ऑन ड्यू डेट्स, जो हमने ड्यू डेट मेंशन की थी. सो आफ्टर प्रेजेंटमेंट ऑन द ड्यू डेट, आफ्टर प्रेजेंटमेंट बट ऑन द ड्यू डेट. ठीक है, तो हमेशा याद रहे साइट क्रेडिट के अंदर कभी भी कोई ड्यू डेट नहीं दी जाती है. अगर आप लोग यूसेंस बिल्स के अंदर आएंगे तो उसके अंदर हमेशा क्या दी जाएगी, एक ड्यू डेट. और ड्यू डेट नहीं दी जाएगी, ये बोलेगा प्रेजेंटमेंट से इतने दिन के अंदर पेमेंट करूंगा. डिड यू गेट द डिफरेंस. इन केस ऑफ साइट क्रेडिट देयर विल बी नो कंडीशन एज टू पेमेंट आफ्टर अ स्पेसिफिक डे और इवेंट. ये स्ट्रेट होगा कि आपने जब पैसा दिखाया उसके बाद हम आप सॉरी बिल दिखाया उसके बाद हम आपको पैसे दे देंगे. इसके अंदर नीचे वाले में देयर विल बी एनी कंडीशन एज टू पेमेंट आफ्टर सर्टेन इवेंट. पेमेंट आफ्टर सर्टेन इवेंट. यहां तक कोई डाउट, सिंपल है. अच्छा एक है ना फैक्ट है जो सब में ही याद रखना. आपने कह दिया पेबल एट साइट, तो मतलब आपने बिल दिखाया हम पेमेंट कर देंगे. यार बैंक रेज्ड अ क्वेश्चन एज टू कि भाई मान ले कि लेटर ऑफ क्रेडिट झूठा था,
मान ले फौज था, मान ले चोरी से था, हम क्या कर लेंगे अगर हमने ऑन साइट पेमेंट कर दिया तो यहाँ पे एक रूल हमेशा याद रखना, मैं आने वाले कितने भी लेटर ऑफ क्रेडिट बता दूं, इन सब में बैंक्स को स्क्रूटिनाइज करने के लिए 5 days का टाइम स्टैट्यूटरीली दिया ही गया है। 5 दिन आपके पास है, आप आराम से चेकिंग कर लो डॉक्यूमेंट्स की, एकदम ठीक। 5 working days आर गिवन, आप 5 working days में चेक कर लीजिए, उसके बाद क्लेम सेटल कर दीजिएगा, ठीक। हाँ, अगर ये यूसेंस बिल था तो उस केस में आप वेरीफाई 5 दिन के अंदर करके रखना, पेमेंट कब कर देना, ड्यू डेट पे कर दीजिएगा, श्योर इनफ। चलते हैं, अब कैलिब्रेशन इतना तंग नहीं कर रहा इसका। थर्ड, कंफर्म्ड क्रेडिट, हाँ जी, सॉरी, थर्ड इज रेवोकेबल एंड इरेवोकेबल क्रेडिट। अच्छा, आ जाइए, मेरे हिसाब से खाली इस स्पेसिफिक जोन पे भी एक क्वेश्चन बन सकता है, रेवोकेबल क्रेडिट एंड इरेवोकेबल क्रेडिट के ऊपर। नाउ, व्हाट आर रेवोकेबल एंड इरेवोकेबल क्रेडिट? अच्छा, अभी तक के चैप्टर में कहीं कोई भी दिक्कत नहीं है, श्योर इनफ, आराम से। अगर यहां तक की बात समझी थी तो ये एकदम इजी हजम होगा। किसी को कोई डाउट हो अभी तक के चैप्टर में आप पूछ लीजिए। नहीं, लेटर ऑफ क्रेडिट, अब लेटर ऑफ क्रेडिट के अंदर इसने बोला 2 तरीके के लेटर ऑफ क्रेडिट हो सकते हैं। वन कैन बी रेवोकेबल लेटर ऑफ क्रेडिट, नेक्स्ट इज इरेवोकेबल। अब है ना, इसमें अगर रेवोकेबल लेटर ऑफ क्रेडिट है तो इसके अंदर बैंक आपके सामने क्या करती है, आपके इस गारंटी सर्टिफिकेट में, आई एम सॉरी, इस लेटर ऑफ क्रेडिट के अंदर एक कोवेनेंट डालती है, एक कंडीशन डालती है। कंडीशन क्या होती है? दैट अगर फ्यूचर में, दैट अगर फ्यूचर में बैंक का मन करता है तो वो ये लेटर ऑफ क्रेडिट को रिवोक कर देगी विदाउट इवन गिविंग अ नोटिस टू द बेनिफिशियरी। हम बेनिफिशियरी को बताएंगे भी नहीं कि आपका लेटर ऑफ क्रेडिट अब लेटर ऑफ क्रेडिट नहीं रहा, हम तो बस बैक कर देंगे। सो इन दिस द बैंक गेट्स द पावर, द बैंक गेट्स द पावर टू रिवोक अ लेटर ऑफ क्रेडिट विदाउट इंटीमेटिंग द बेनिफिशियरी। डन है? आरो आरो आरो, पूरे टॉपिक तो खत्म करो। इरिवोकेबल लेटर ऑफ क्रेडिट का मतलब क्या होता है? बैंक ने कंडीशन नहीं डाली, मतलब कि चल काहे कुछ भी हो, हम आपको आपका पूरा पेमेंट करेंगे। और ये हमारी दिक्कत है कि हम आगे रिकवरी कैसे करेंगे। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन उठता है कि सेलर पागल तो है नहीं जो वो तुम्हारे रेवोकेबल LOC के अंदर आएगा। तो अगेन, दिस इज अ टाइप, बट इट इज रेयरेस्ट ऑफ रेयर। आप सर्च करने जाएंगे जो मिलेगा नहीं। पर अब क्वेश्चन उठता है कि अगर आप रेवोकेबल लेटर ऑफ क्रेडिट भी बना रहे हो तो हम तो बोल रहे थे क्रेडिट, ऐसा थोड़ी कि बैंक अपनी मर्जी से दे रहा है, कोई चीज देख के क्रेडिट दे रहा था ना, तो फिर क्यों इतना झगड़ा चल रहा है? तो ऐसे केस के अंदर हम लोगों ने क्या किया, वी जस्ट सेड कि आप एक काम करो, इसके लिए ना आपको कंडीशन मेंशन करनी पड़ती है कि भाई इन द इवेंट ऑफ अनफोर्सीन कंडीशंस, इन द इवेंट ऑफ अनफोर्सीन कंडीशंस जिसकी वजह से द बैंक इज अनेबल टू पे द फंड्स, वो अपने आप को रिवोक कर देगी। सर, अनफोर्सीन कंडीशंस क्या है? बैंक का वाइंडिंग अप हो रहा है, बैंक ही बंद हो रही, बैंक बोल रही मैं क्या करूं, मैं बंद हो रही हूं, गए, रिवोक कर देगी। और अनफोर्सीन कंडीशन क्या हो सकती है? आपके साथ किसी ने बहुत बड़ा स्कैम कर दिया जिसकी वजह से आज आप रीपेमेंट की पोजीशन में नहीं हो, आप खुद ब्रीदिंग फंड्स मांग रहे हो यहाँ वहाँ लोगों से खाली सर्वाइव करने के लिए। तो क्या ऐसे केस के अंदर भी बैंक बोल सकती है कि मैं अब इस गारंटी को, आई एम सॉरी, लेटर ऑफ क्रेडिट को क्या कर रही हूँ, बैक कर रही हूँ? ये होती है अनफोर्सीन कंडीशंस जहां पे द बैंक इज नो मोर इन अ कंडीशन टू रीपे। यहां तक ठीक। हाउएवर, हम लोग रिवोकेबल LOCs
इंडिया में बहुत रेयरली देखने को मिल सकता है, नहीं ही मिलेगा. क्यों? क्योंकि बाहर वाला बंदा सिर्फ और सिर्फ किस में आपको अलाउ करने वाला है, इररेवोकेबल एलओसीज में अलाउ करने वाला है. बोलिए कोई दिक्कत? सिंपल एकदम, रीड कर लें. Revocable and irrevocable credit. A revocable letter of credit is a credit in which the terms and condition of the credit can be amended, cancelled by the issuing bank. इनकी conditions को change भी किया जा सकता है और खत्म भी किया जा सकता है without prior notice to the beneficiary. An irrevocable letter of credit is a credit the terms and condition of which can neither be amended nor cancelled without the consent of the बेनिफिशरी. हैंस द ओपनिंग बैंक. अच्छा, ओपनिंग बैंक का मतलब क्या होता है? जो अपने डायग्राम में आपने ये भारत का बैंक बनाया ना, दिस इज द ओपनिंग बैंक. जहां से एलओसी निकला था वो ओपनिंग बैंक होता है. हैंस द ओपनिंग बैंक इज बाउंड बाय द कमिटमेंट्स गिवन इन द लेटर ऑफ क्रेडिट. गोस सिंपल इनफ. थर्ड, सॉरी फोर्थ इज कंफर्म्ड क्रेडिट. What is confirmed credit? क्या मैं irrevocable इसको credit को confirmed credit भी बुला सकता हूँ? Confirmed है, कोई change आएगा ही नहीं. Only irrevocable letter of credit can be confirmed. Irrevocable letter है मतलब चाहे कुछ भी हो जाए आपको आपका payment मिलेगा. A confirmed letter of credit is one when a banker other than the issuing bank add its own confirmation to the credit. In case of confirmed letter of credit, the beneficiary's bank would submit the documents to the confirming banker. एक सेकेंड आ रहे हैं. अभी ये क्वेश्चन, ये जो कंफर्म क्रेडिट है ना, ये किसका आंसर करेगा? आपका. जो गणेश ने पूछा था सबसे पहला क्वेश्चन कि सर कहाँ जाऊं पेमेंट रिसीव करने के लिए. देखिएगा, ओनली इरेवोकेबल लेटर ऑफ क्रेडिट जो इंडियन बैंक से लेटर निकला है, लेट्स से मैं, चलो इसको रीड करते हैं, मैं फिर डायग्राम बनवा देता हूँ. कैन बी कन्फर्म्ड. अ कन्फर्म्ड लेटर ऑफ क्रेडिट इज वन व्हेन अ बैंकर अदर देन द इशूइंग बैंक add its own confirmation to the credit. In case of confirmed letter of credit, the beneficiary's bank would submit the document to the confirming banker. आ जाओ, ये डायग्राम देख लीजिए. आई थिंक ये आपके लिए पूरा क्लियर कर देगा. इंपोर्टर, एक्सपोर्टर, बैंक, एक्सपोर्टर का बैंक बेनिफिशियरी बैंक है. यहां तक सब एकदम कंडीशंस क्लियर है. इंपोर्टर ने बाहर से कोई गुड्स मंगाए, आई एम जस्ट मेकिंग इट गुड्स, जिसके लिए उसके पास फंड्स नहीं थे, तो उसने बैंक से क्या किया, लेटर ऑफ क्रेडिट दे दिया. ये था आम जिंदगी. अच्छा, अब ये जो लेटर ऑफ क्रेडिट है ये कौन सी है? इरेवोकेबल लेटर ऑफ क्रेडिट है, एकदम ठीक. इरेवोकेबल है इसका मतलब है पेमेंट कंफर्म होने ही वाला है. सो कैन आई से इरेवोकेबल लेटर ऑफ क्रेडिट कैन बी कंफर्म्ड. कंफर्म मतलब इसमें डर नहीं है, कोई दूसरी बैंक भी इसमें आपको अश्योर कर सकती है कि उधर से पेमेंट आना ही आना है. आप कोई भी टेंशन मत लीजिएगा. देखो इस लाइन को वापस से. ओनली इरेवोकेबल लेटर ऑफ क्रेडिट कैन बी कंफर्म्ड. अ कंफर्म्ड लेटर ऑफ क्रेडिट इज वन व्हेन अ बैंकर अदर देन द इशूइंग बैंक. इशूइंग बैंक कौन सी है? ये इंडियन बैंक. This is the issuing bank. This is the issuing bank. When a banker other than the issuing bank nahi, koi dusra banker add its own confirmation to the credit. Ye bhi kya kar deta hai? Confirmation de deta hai credit ki. In case of confirmed letter of credit, the beneficiary's bank, एक से beneficiary कौन होता है? The exporter. In case of confirmed letter of credits, the beneficiary's bank would submit the document to the confirming banker. तो ऐसे केस में जैसे ही आप लोग कन्फर्मेशन देते हैं, तो ये जो beneficiaries का बैंक है, मतलब जो outside बैंक है, जो आपसे सारे transaction कंप्लीट कराने वाला था, ये क्या करता है, सारे documents किसको submit कर देता है? कन्फर्मिंग बैंकर को देता है कि भाई एक बार तू देख ले, लेटर ऑफ क्रेडिट ये है, सेल इतनी है, इतना हमने चार्ज किया है, इतने टाइम में पेमेंट करना है, इतने की गारंटी है. अगर तेरे को लगता है सब कुछ सही है, तभी तू हमको क्या इशू करना है, एक
कन्फर्मेशन लेटर इशू करना. सो अगेन व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू, हम लोग बहुत बेसिक नेचुरल जस्टिस फॉलो कर रहे हैं. बिफोर टेकिंग द कन्फर्मेशन फ्रॉम अनादर बैंकर, हम लोग उसके पास सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स को क्या करवा देते हैं, एक बार वेरीफाई करवा देते हैं कि क्या आप इसमें लेटर ऑफ कन्फर्मिटी देना चाहते हो. क्यों? क्योंकि कल इन द इवेंट इम्पोर्टर फेल हुआ तो हम जाएंगे इशूइंग बैंक के पास, और अगर इशूइंग बैंक भी फेल हो गया तो हम किसके पास आएंगे? आपके पास, क्योंकि आपने इस पेमेंट को क्या किया है? कन्फर्म किया है. अच्छा दिमाग लगाओ, इस बैंकर का ना, जो कन्फर्मिंग बैंकर है, इसका ना किसी से भी कोई रिश्ता है ही नहीं. ये इसने अपना एक बिजनेस स्टार्ट किया है जिसके अंदर है ना, ये आपको डबल इंश्योरेंस प्रोवाइड कर रहा है. व्हाट इज डबल इंश्योरेंस? ऑलरेडी इंपोर्टर के डिफॉल्ट को इंश्योर किसने किया हुआ था? इशूइंग बैंक ने. इसने इशूइंग बैंक के डिफॉल्ट को भी क्या कर दिया? इंश्योर कर दिया. अच्छा, देयर इज अ हाई चांस, वेरी हाई चांस, कि रेयरेस्ट और रेयरेस्ट केस में पॉसिबल होगा कि आपको डबल इंश्योरेंस यूज करना पड़े, वरना बैंक विल बी एबल टू मीट अप इट्स फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन. दिस इज व्हाट वी बिलीव. तो क्या मैं कह सकता हूं कि इसके ऊपर सबसे कम रिस्क होगा जो कन्फर्मिटी दे रहा है? सबसे कम. तो क्या मैं कह सकता हूं इनको इंटरेस्ट भी सबसे कम मिलने वाला है, इनको रिटर्न्स भी सबसे कम दिए जाते हैं? ये डबल इंश्योरेंस तो करते हैं, और डबल इंश्योरेंस सिर्फ और सिर्फ कब कराया जाता है? जब लेटर ऑफ क्रेडिट एक अनरीजनेबली हाई अमाउंट की है. सर अनरीजनेबली हाई अमाउंट क्या है? नॉट डिफाइंड. इफ यू फील कि इसके ऊपर रिस्क है, आप जा सकते हैं लेटर ऑफ कन्फर्मिटी लेने. इंडियन बैंक का कोई रोल नहीं था इस बैंकर को बोलने का कि आप कन्फर्मिटी दो. इंडियन बैंक की ड्यूटी खत्म थी. ये फॉरेन बेनिफिशियरी को डर लगा, इसने क्या मांगी? कन्फर्मिटी मांगी. इंडियन बैंक का कहीं पर भी कोई रोल बीच में नहीं आने वाला. तो लेट्स मेक इट क्लियर इन दिस. एक सेकेंड, इंपोर्टर एंड इशूइंग बैंक, ये दोनों रिश्तेदार हैं, इनको अलग छोड़ दो. एक्सपोर्टर और एक्सपोर्टर का वहां पे जो बेनिफिशियरीज बैंक अकाउंट है जहां पे ये सारा पैसा आने वाला है, ये दोनों सगे रिश्तेदार हैं. इन लोगों ने अपना काम खत्म कर दिया है. अगर एक्सपोर्टर को लगता है कि अभी भी डिफॉल्ट होने का चांस है, तो वो अपने बेनिफिशियरी बैंक को क्या बोलता है कि आप क्या करो, एक और बैंकर के पास जाओ इंडिया के अंदर, एक और बैंकर के पास जाओ इंडिया के अंदर, और उसके पास क्या सबमिट कर दो? सारे डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड टू द लोन एंड लेटर ऑफ क्रेडिट सबमिट करो, और इसको बोलो कि ये अपने को कन्फर्मिटी दे कि यहां पे जो इशूइंग बैंक था ये कोई डिफॉल्ट नहीं करेगा. और अगर कल कोई डिफॉल्ट नहीं हुआ तो मैं इसको भी पैसे दूंगा. अगर कोई डिफॉल्ट नहीं हुआ तो मैं इसको भी पैसे दूंगा. और डिफॉल्ट हो गया हर जगह से तो लास्ट लाइबिलिटी किसकी बना देंगे? कन्फर्मिटी बैंकर की. लॉजिक क्लियर है क्या? सिंपल. इंडियन इंडियन इंडियन. आप गारंटी इंडिया के अंदर लेना चाह रहे हो ना? आरबीआई आरबीआई बैंकर है, बैंकर बैंकर आरबीआई आरबीआई की पर्सनैलिटी, कुछ भी चेंज नहीं इसके अंदर. गिविंग अप है. बैक टू बैक क्रेडिट, एक बैक टू बैक क्रेडिट और करते हैं, ये भी आपको मेरे हिसाब से समझ में आ ही जाएगा. अच्छा, कोई तुक्का मारना चाहता है कि बैक टू बैक क्रेडिट पे बिना रीड किए, जो आपको लगता है बैक टू बैक क्रेडिट है? सर धमाधम सामान खरीदे जा रहे हैं, बैक टू बैक लेटर ऑफ क्रेडिट देते जा रहे हैं, ऐसा कुछ? मारो मारो एक, क्या जाता है? कुछ भी बोल सकते हैं. बार क्या 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 डेली बेसिस पे इम्पोर्ट करते हो आप? ठीक है, बैक टू बैक लेटर ऑफ क्रेडिट, ठीक है. और सीरीज ऑफ ट्रांजेक्शन इज बैक टू बैक. हाँ, और सीरीज और एक तो और एक कोई और, ये दो गलत है. चलो पक्का, अभी कोई तीसरा? चलो एक काम करो, रीड करके बता दो. अच्छा, आप लोगों ने डिस्काउंटिंग ऑफ बिल पढ़ा था क्या? और साथ साथ में नेगोशिएशन ऑफ बिल भी पढ़ा होगा. नेगोशिएशन ऑफ बिल क्या होता था? एक बिल आपके पास आया, वो बिल आपने आगे दे दिया किसी को, वो बिल उसने अपने पेमेंट के चक्कर में किसी को आगे दे दिया, तो वो बस नेगोशिएशन याद करते हो. बैक टू बैक एक बार रीड मारो.
मिला क्या जवाब? नहीं, हाँ जी, किसी को आया क्या समझ में? दो मिनट कर लेना, दो सबको रेट आया किसी को समझ में? आया? हाँ बोला ना, इतना थ्री डायमेंशन आंसर दिया तूने। आई फेल्ट लाइक उसको आया होगा। नहीं, आई गेट इट कि आपने चिपकाया मेरे को, अच्छा लगा। बट ठीक है, बट आई गेट इट कि आपको 80% समझ में आ गया कंटेक्स्ट। अच्छा, बैक टू बैक लेटर ऑफ क्रेडिट का मतलब क्या होता है? लेट्स गो बैक टू द अगेन बेसिक चेन। इंडियन इंपोर्टर एक्सपोर्टर के पास जाना चाह रहा था, द ऑरेंज बींग साइड द इंडियन एंड द ब्लू बींग द आउटसाइडर्स, जो हमारे फॉरनर्स हैं। सो हाँ नहीं, खाली वही नाम लिखे, सेम नेम, इंडियन इंपोर्टर, इंडियन बैंक, सेम ओल्ड पार्टीज, कुछ नया नहीं, सिर्फ कलर रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। लेफ्ट साइड इज द इंडियन साइड, राइट साइड इज द फॉरन साइड। इंडियन इंपोर्टर बाहर गया एक्सपोर्टर के पास, इंडियन इंपोर्टर एक्सपोर्टर के पास गया और उसने जाके बोला मुझे गुड्स चाहिए, जिसके लिए एक्सपोर्टर ने बोला ठीक है मैं आपको गुड्स सप्लाई कर दूंगा, पर अभी हमारे पास फंड्स नहीं है। तो इंडियन बैंक ने एक्सपोर्टर को क्या दिए? लेटर ऑफ क्रेडिट। यहां तक सब कुछ सेम। अब क्या हुआ, एक्सपोर्टर के पास तो आ गया लेटर ऑफ क्रेडिट, ये लेटर ऑफ क्रेडिट का पैसा नहीं आया है, सिर्फ लेटर ऑफ क्रेडिट आया कि फ्यूचर में पैसा आएगा, पर ये जो एक्सपोर्टर है ना, इसको भी सामान बनाने के लिए रॉ मटेरियल लगता है। तो वो ये क्या करता है, लेटर ऑफ क्रेडिट जो एक्सपोर्टर के पास आया था वो किसको देता है? अपने बैंक को देता है। वो अपने बैंक को देता है और बोलता है सुनो, लेटर ऑफ क्रेडिट कन्फर्म है, पैसा आने वाला है, आपने ही बोला था कि आएगा पैसा, मेरे को क्या करो, इस लेटर ऑफ क्रेडिट के ऊपर एक नया लेटर ऑफ क्रेडिट बना के दो। जो लेटर ऑफ क्रेडिट मैं किसको दूंगा? सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल को, ताकि वो मुझे सामान दे, और फ्यूचर में जब आपके पास मेरे पुराने लेटर ऑफ क्रेडिट का पैसा आ जाए तो उस पैसे में से जितना पार्ट का अपन ने लेटर ऑफ क्रेडिट बनाया वो आगे सप्लायर को दे देना। डू वी गेट द पॉइंट? अब क्या मैं कह सकता हूं आपने एक लेटर ऑफ क्रेडिट के ऊपर बैक टू बैक एक और लेटर ऑफ क्रेडिट बनवा दिया? दिस फिनिशेज ऑफ योर बैक टू बैक लेटर ऑफ क्रेडिट, प्लीज रीड करके देख लीजिए। इट्स एन इंडियन इंपोर्टर, इंडियन बैंक, एक्सपोर्टर, एक्सपोर्टर्स बैंक एंड द सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल। अरे यार, इधर स्क्रीन पे कलर कैसा आ रहा है? वेट वेट वेट, आई एम सॉरी यार, यार यहाँ पे तो बहुत ब्राइट कलर्स हैं, मतलब काश मैं दिखाता आपको यहाँ पे से। वेट वेट, प्लीज लीजिए। अभी तक के लेटर ऑफ क्रेडिट एकदम समझे ना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, अ ग्रेट चांस की टाइप्स ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट के ऊपर क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, एक बार पहले रीड करा देता हूं फिर अपना डायग्राम कंप्लीट कर लीजिए। इन अ बैक टू बैक क्रेडिट द एक्सपोर्टर दैट इज द बेनिफिशियरी रिक्वेस्ट हिज बैंकर टू इशू अ लेटर ऑफ क्रेडिट इन फेवर ऑफ हिज सप्लायर टू प्रोक्योर रॉ मटेरियल्स
goods on the basis of export letter of credit received by him. This type of letter of credit is known as back-to-back credit. Sure enough, done. So can we stop for this day? आज का आपके लेक्चर में बैठने के लिए धन्यवाद. कल मिलते हैं फिर से.